रिलायंस पावर 2023 में लगा कि ये कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कंपनी कि वहां से कंपनी ना सिर्फ बाउंस बैक की, इनफैक्ट खुद को रिवाइव भी किया। और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, रिलायंस पावर का शेयर 2023 में 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से जंप करके अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 46 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आने वाले 6 महीने या फिर 1 साल या 2-3 साल कैसे हो सकते हैं रिलायंस पावर के लिए, उसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं रिलायंस पावर शेयर के लिए। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा अगर आपके पास रिलायंस पावर शेयर है या फिर आप खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो रिलायंस पावर को 2007 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। आज के समय में हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है। आज के समय अगर इनकी टोटल कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 5,945 मेगावाट ये इलेक्ट्रिसिटी किसी भी गिवन ऑन ए टाइम पे ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें से 5,760 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये थर्मल से बनाते हैं और 185 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। 5,945 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी ये किसी भी टाइम पे सप्लाई कर सकते हैं, ये टोटल ईयरली का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये टोटल 5,945 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बात ये नहीं आती कि भाई प्रोड्यूस करना तो ठीक है, प्रोड्यूस तो हर कंपनी सब कुछ ज्यादा कर लेती है, लेकिन इनकी सेल्स पे क्या असर है? क्या इनके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई इनसे इलेक्ट्रिसिटी परचेस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी मैटर करता है। तो इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी के रनिंग में हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए तो रोजा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इनको सप्लाई देनी पड़ती है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट एट सासन 3960 मेगावाट। सोलर फोटोवोल्टेनिक जो कि राजस्थान में है 40 मेगावाट यानी कि 40 मेगावाट। कंसंट्रेटेड सोलर पावर एट पोखरा राजस्थान में 100 मेगावाट। और विंड प्रोजेक्ट एट वासफेट महाराष्ट्र 45 मेगावाट। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी इनके करेंटली रनिंग में हैं। और जो मैंने प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, ये सभी प्रोजेक्ट्स में उनको इतनी इलेक्ट्रिक सप्लाई ये ईयरली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में इनको 2 प्रोजेक्ट्स पे इनको ये काम कर रहे हैं और उन्होंने एक MOU भी साइन किया है बांग्लादेश के अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने इंडिया में जो अभी प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं, जो अभी अभी इनको प्रोजेक्ट मिला है, उसमें 3,438 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के इनको सप्लाई देनी है। और ये 3 जगह से इनको प्रोजेक्ट मिला है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मिला के इनको टोटल 3,438 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देनी है। और इन्होंने बांग्लादेश में MOU भी साइन किया जहां पर इनको 3000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, वो भी गैस को यूज करके। और इनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि अभी स्टॉप हैं, जैसे कि आप देखेंगे बूटीबरी प्लांट फेसिंग डिलेस एंड डिस्प्यूट्स, कृष्णा पत्तम अल्ट्रा मेगा फेसिंग विजिबिलिटी चैलेंजेस, कोल बेस्ड प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश ऑन होल्ड ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। तो इनके कुछ प्रोजेक्ट्स अभी होल्ड पे भी देखने को मिल रहे हैं, ये 3 प्रोजेक्ट्स पे ये अभी फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 2023 के अंदर रिलायंस पावर का शेयर 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था कि यहां पर अनिल जी डिफॉल्टर घोषित कर दिए थे इस कंपनी को। इस कंपनी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल 250 करोड़ के आसपास डेब्ट लिया गया था, जिसपे इंटरेस्ट इनको 270 करोड़ रुपीस देने थे और इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उस वक्त लगा था कि भाई रिलायंस पावर कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने जो डेब्ट ले रखा था उस डेब्ट को रिड्यूस करते हुए नजर आए हैं। तो क्या इन्होंने अपने पूरे डेब्ट को खत्म कर दिया है जिस तरीके से शेयर भाग रहा है? क्या कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है जिस तरीके से शेयर भाग रहा है? वो जानने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पर अगर आप लोग मार्केट कैप की बात कर ली जाए तो 18,614 करोड़ की ये कंपनी का मार्केट कैप है। इतना ज्यादा मार्केट कैप होने के बावजूद इसको स्मॉल
कैप के अंदर रखा जाता है। मिड कैप में 5000 से लेकर 20000 करोड़ के मार्केट कैप के कंपनीज शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं, दैट्स वाई उनको मिड कैप की कैटेगरी प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन रिलायंस पावर को अभी भी इतनी ज़्यादा इनके पास मार्केट कैप होने के बावजूद इनको स्मॉल कैटेगरी में रखा गया है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप लोग इनके ईयरली बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालेंगे तो इनका जो सेल्स देखने को मिलेगा 2022, 2023, 2024 और अभी तक का अगर आप लोग देखेंगे तो 7500 करोड़, 7800 करोड़। जैसा कि मैंने बताया, इनको अभी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला है, प्रोजेक्ट वही है तो उसी प्रोजेक्ट पे ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं और वो इनकी जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट है। लेकिन जो सेल्स हैं, एक्सपेंसेस भी हैं कंपनी के, जैसे कि किसी वर्कर को सैलरी देना और कोई जगह रेंट लेना, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेना और फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट देना, तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं 2022 में 4700 करोड़, 2023 में बढ़ता इनका एक्सपेंसेस और 2024 में अगेन इनका एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर आप लोग यहाँ पर ओपीएम देखेंगे तो ओपीएम क्या है, इनका घटता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे 36, 25, 15%। अभी ओपीएम क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब सेल्स में जो इनका एक्सपेंसेस कट रहा है उसके बाद जो इनका प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है वो आप लोग देखेंगे तो डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अदर इनकम भी है, जैसे कि कंपनी मान लीजिए किसी को कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है ये कंपनी के थ्रू और वो कंपनी इनको पैसा कमा के देती है तो वो अदर इनकम में आ जाता है। अदर इनकम में देखेंगे तो नो डाउट इनका अदर इनकम बढ़ता हुआ नजर आया है, एक टाइम पे ये कंपनी अदर इनकम में भी लॉसेस कर रही थी। तो यहां पर अगर आप लोग इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट भी नो डाउट इनको कुछ देने पड़ रहे हैं, अभी आप लोग देखेंगे तो 2451 करोड़ के आसपास है मार्च के अंदर। और डिप्रिसिएशन देखेंगे, डिप्रिसिएशन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सपोज दैट जैसे कि आप मान लीजिए कोई लैंड है, किसी लैंड को आप रेंट पे लेते हैं तो उस लैंड को जो रेंट पे लेते हैं, अब मान लीजिए आज आपने मान लीजिए 1,00,000 रुपए में आपने बोला कि भाई ये 1,00,000 रुपए मैं रेंट दूंगा इस लैंड का, तो क्या उस लैंड का रेंट जो आज 1,00,000 रुपए है क्या 5 साल बाद वही आप 1,00,000 रुपए उस मेन ओनर को रेंट दे रहे होंगे? नहीं, वो रेंट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। अब सपोज दैट कंपनी है, कंपनी के अंदर टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, क्या वो टेबल और चेयर जो कंपनी खरीद के लाई है क्या वो टेबल और चेयर, क्या गारंटी है कि वो चेयर 10 साल तक चलेगा? तो धीरे धीरे करके वो चेयर की लाइफ खत्म हो रही है, एक तरीके से डिप्रिशिएट हो रहा है। तो इनके जो टोटल वैल्यू का डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो 2023 में 1017 करोड़, 2024 मार्च में देखेंगे तो 1062 करोड़ और अभी तक देखेंगे तो 1063 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि 1000 करोड़ के आसपास इनका डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। अभी इनका यहाँ पे आप टैक्स देखेंगे तो नो डाउट टैक्स भी ये 12% देते हुए नजर आए हैं, अभी का टैक्स का कोई डाटा नहीं आया है क्योंकि अभी 2024 रनिंग में है। अगर आप लोग ईपीएस देखेंगे, ईपीएस क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अर्निंग पर शेयर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो बता देता हूं, ईपीएस का सिंपल सा मतलब है जब भी किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स उसमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, और जब भी किसी कंपनी का ईपीएस घटता है तो वहां पर इन्वेस्टर उस कंपनी से दूर भागने की कोशिश करता है। तो ईपीएस बढ़ना कंपनी के लिए अच्छा होता है, अभी डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ईपीएस अगर आप लोग देखेंगे तो एक टाइम पे इनका ईपीएस 10-14 के आसपास चला गया था, फिर धीरे धीरे इनका ईपीएस कम होता हुआ नजर आ रहा है और अगेन यहाँ पे ईपीएस -5 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में कंपनी के पास कितना कर्जा है और कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो टोटल इक्विटी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिल रहा है 2023 में 3735 करोड़ और यहां पे 4017 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व्स कितने पड़े हुए हैं, 7780 करोड़ के आसपास 2023 में था और अभी देखोगे तो रिजर्व्स इनके कम होते हुए नजर आए हैं 7597 करोड़। बोरोइंग्स देखोगे तो बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर जो कर्जा था 21,000 करोड़, कर्जा कितना कम हुआ है केवल और केवल 3,000 करोड़ के आसपास यहां पे इनका कर्जा कम हुआ है, उसी में शेयर रॉकेट हो चुका है।
आप देखिए एक टाइम पे इनका कर्जा 30, 31, 32, 33 करोड़ के आसपास चला गया था। नो डाउट ये अपने कर्जे को कम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कंपनी इतनी भी अच्छी नहीं हो गई है कि गारंटी नहीं दे सकते कि आने वाले 5 साल में ये कंपनी बहुत अच्छा कर जाएगी। हाँ, अगर जिस तरीके से ये कर्जे को कम कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर ये अपने कर्जे को कम करते रहते हैं तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर टोटल एसेट्स की बात कर ली जाए तो कंपनी के पास कुल संपत्ति कितनी है, अगर आप लोग देखेंगे 2023 में कंपनी के पास 48,535 करोड़ की थी और अभी घट के 43,760 करोड़ के आसपास हो गई है। मतलब मोटा मोटा अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे 5,000 करोड़ का इनका एसेट्स गायब होते हुए नजर आए हैं। कंपनी फ्यूचर में लॉन्ग ग्रोथ करने वाली है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर प्रमोटर्स उस कंपनी में नहीं है तो कंपनी के जब मालिक को ही ट्रस्ट नहीं है कि भाई मेरी कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है, तो वहां पे आम पब्लिक कैसे ही पैसा लगाएगी। तो चलिए यहां पे प्रमोटर्स की बात कर ली जाए तो अगर आप लोग यहां पे प्रमोटर्स पे नजर डालोगे तो मार्च 2024 में कंपनी के पास 23.24% के आसपास होल्डिंग थी और दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 24.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही थी। यानी कि यहां पे प्रमोटर्स 1% अपनी होल्डिंग बेचते हुए नजर आए हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप जाके रिलायंस पावर का शेयर देखोगे तो 32 रुपीज के आसपास रिलायंस पावर का शेयर ट्रेड कर रहा था। जब यहाँ पे प्रमोटर्स निकलने लगे तो वो 32 रुपए से घट के 20 रुपए के आसपास यानी कि 20 रुपीज के आसपास शेयर आ चुका था रेट। सॉरी, माफ करना, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्चुअली लाइट चली गई है तो गर्मी बहुत ज्यादा है, वो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा आप। तो यहां पर अगर FIs की बात करेंगे तो FIs अगर आप लोग देखेंगे तो 8.37% होल्डिंग थी। FIs नो डाउट अपनी होल्डिंग को यहां पे इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। DIs की देखेंगे तो DIs भी यहां पर प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं और 3% का केवल और केवल होल्डिंग देखने को मिल रहा है। FIs का तो चलिए ठीक है कि उनको रिलायंस पावर की असलियत नहीं पता, लेकिन जो DIs हैं, जो इंडियन में बिग प्लेयर्स हैं, वो रिलायंस पावर से कहीं ना कहीं यहां पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सारा का सारा माल चिपकाया किसको जा रहा है, पब्लिक को। आप देखिए पब्लिक में यहाँ पर 58% होल्डिंग थी मार्च 2024 में और जब शेयर भागने लग गया उसके बाद इसमें होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा 61% के आसपास। ये कुछ फंडामेंटल्स थे जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। अभी बात करते हैं मेरा ओपिनियन क्या है। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि इस कंपनी में पैसे उतने ही डालो जितने आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। तो ऐसा नहीं कि आप अपना घर बेच के पूरा का पूरा पैसा इस कंपनी में डाल देते हैं और ये कंपनी कल को बंद हो जाती है तो आप रोड पे आ जाते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ उतना ही पैसा डाल के चलना चाहिए जितना आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी लगातार आप लोगों को अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आ रहा है, लगातार आपको इस कंपनी में अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंपनी यहाँ से जो ये शेयर है, ये शेयर कहाँ तक प्राइस मूव कर सकता है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी यहाँ पर रिलायंस पावर का शेयर मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप लोग 60 रुपीज के आसपास देखोगे तो 60 रुपीज के आसपास मल्टीपल टाइम आप लोगों को इस स्टॉक के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपने रिलायंस पावर को नीचे बाई करके रखा है तो नियर अबाउट 60 रुपीज के आसपास आप लोगों को यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 60 रुपीज का लेवल अपसाइड में ब्रेक करता है रिलायंस पावर, फिर कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा 140 के लेवल को टच करने के लिए और 110 के लेवल को टच करने के लिए, क्योंकि 110 के आसपास रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद 140 के आसपास और फाइनल टारगेट में जो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वो करूंगा 200 रुपीज के आसपास। तो कंपनी अगर इसी तरीके से अपने डेप्ट को कम करती जाती है और प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करती है तो 200 तक का भी टारगेट आपको रिलायंस पावर में देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट करना जितना आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो कि हाँ ये पैसे डूब भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।